बड़े बड़े कलाकारों को याद रखना तो आसान बात है। अगर आप वाकई हिंदी सिनेमा के कलाकारों के प्रेमी हैं, तो आपको उन छोटे मोटे कलाकारों को याद रखना चाहिए जिनका योगदान भी हिंदी सिनेमा में सराहनीय रहा है, पर अफसोस लोग उन्हें जल्दी भुला देते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि हिंदी सिनेमा का जुबली कुमार कौन है, तो आप झटपट उत्तर देंगे, राजेंद्र कुमार। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या आप जानते हैं कि देश का पहला सिल्वर जुबली स्टार कौन है, यानी वो स्टार जिसकी फिल्में 25 दिन तक लगातार थिएटर में लगी रही हो और उतरने का नाम ना लेती हो। सिल्वर जुबली स्टार सुनकर हर किसी के जहन में एक्टर राजेंद्र कुमार का नाम आ जाता है। 60 के दशक में राजेंद्र कुमार की फिल्में 25-25 दिन तक थिएटर्स में टंगी रहती थी और इसी वजह से राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार भी कहा जाता था। लेकिन राजेंद्र कुमार देश के पहले जुबली स्टार नहीं थे। उनसे पहले भी एक एक्टर रहा था जिसकी फिल्मों ने सिल्वर जुबली मनाई और उसे सिल्वर जुबली स्टार कहा जाने लगा था। आज हम आपको करण दीवान के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कभी एक पत्रकार थे लेकिन कैसे भारतीय सिनेमा के पहले सिल्वर जुबली स्टार बने। करण दीवान का असली नाम दीवान करण चोपड़ा था और उनका जन्म 1917 में गुजरनवाला में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। शुरुआती पढ़ाई लाहौर में करने के बाद करण दीवान एक उर्दू मैगजीन के एडिटर बन गए थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात ताराचंद बड़जात्या से हुई थी। ताराचंद बड़जात्या ने ही राजश्री प्रोडक्शंस की नींव रखी थी, जिसकी कमान आज उनके पोते सूरज बड़जात्या संभाल रहे हैं। सूरज बड़जात्या के दादाजी ताराचंद की वजह से मौका, करण दीवान को फिल्मों में मौका ताराचंद बड़जात्या की बदौलत ही मिला था। करण दीवान ने पंजाबी फिल्मों से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म पूरन भगत थी, जो 1939 में रिलीज हुई थी। करण दीवान ने 1976 तक फिल्मों में काम किया। 3 दशक से भी लंबे करियर में करण दीवान ने 75 से भी ज्यादा फिल्में की। इनमें से उनकी कुछ फिल्में थिएटर्स में 25 दिनों तक चलती रहीं, जिसकी वजह से उन्हें सिल्वर जुबली स्टार कहा जाने लगा था। 20 से ज्यादा फिल्मों ने मनाई सिल्वर जुबली। करण दीवान ने अपने करियर में सुरैया से लेकर सुलोचना चटर्जी, स्वर्णलता, वैजयंती माला और नलिनी जयवंत जैसी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया। फिल्म रतन तो जबरदस्त ब्लॉकबस्टर रही थी। ये फिल्म 1944 में आई थी और उस वक्त की हिट फिल्मों में शुमार रही थी। रतन ने बॉक्स ऑफिस पर डायमंड जुबली मनाई थी, जबकि जीनत और भाईजान जैसी फिल्मों ने सिल्वर जुबली मनाई थी। इन्हीं फिल्मों की बदौलत करण दीवान उस दौर के सिल्वर जुबली स्टार बन गए थे। बताया जाता है कि करण दीवान की 20 से ज्यादा फिल्मों ने सिल्वर जुबली मनाई थी। 1944 की हिट फिल्म रतन के लीड एक्टर थे करण दीवान। उस दौर के जाने माने फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जैमिनी दीवान के भाई थे करण। करण ने भले ही पंजाबी फिल्म से काम शुरू किया, लेकिन साल 1944 में आई फिल्म रतन ने उन्हें खास पहचान दिलाई और कहते हैं कि 1944 की बड़ी हिट फिल्म बन गई। इस फिल्म के प्रोड्यूसर उनके भाई जैमिनी थे। इस फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद के निर्देशन में करण ने गाना जब तुम ही चले परदेश गाया था, जो जबरदस्त हिट हुआ। इतना ही नहीं, पिया घर आजा, मिट्टी के खिलौने जैसी फिल्मों में भी गाना गाया था। 1955 में आई फिल्म मुसाफिर खाना में जॉनी वॉकर और ओम प्रकाश के साथ काम किया था। ये फिल्म भी जबरदस्त हिट थी। जब गिरने लगी पॉपुलैरिटी, किए सपोर्टिंग रोल। 50 के दशक में तो ऐसा भी वक्त था जब करण दीवान एक साथ 8-8 फिल्में कर रहे थे। उनकी पॉपुलैरिटी चरम पर थी, लेकिन 60 और 70 के दशक तक आते आते करण दीवान की पॉपुलैरिटी गिरने लगी। तब वो लीड हीरो वाले किरदारों से हटकर सपोर्टिंग किरदारों पर आ गए। करण दीवान ने 1976 तक फिल्मों में काम किया और फिर एक्टिंग से ब्रेक ले लिया। करण ने 1941 से लेकर 1989 तक 70 से अधिक फिल्मों में काम कर अपना खासा नाम बना लिया था। 70 फिल्मों में से 20 फिल्में जुबली हिट फिल्में थी। करण की प्रसिद्ध फिल्में हैं जीनत, लाहौर, दहेज, परदेश, बहार, मुसाफिर खाना, 3 बत्ती 4 रास्ता। इन फिल्मों की सफलता ने करण को जुबली स्टार बना दिया था। 1989 में उनकी आखिरी फिल्म थी आत्माराम। मराठी एक्ट्रेस से शादी, बच्चे और फिर मौत। फिल्मों में काम करने के दौरान ही करण दीवान की मराठी एक्ट्रेस और सिंगर मंजू से मुलाकात हुई। बाद में उन्होंने मंजू से शादी करके घर बसा लिया। रतन और मंजू का प्यार फिल्म रतन के दौरान परवान चढ़ा था। शादी के बाद जहां करण दीवान फिल्में करते रहे, वहीं मंजू ने एक्टिंग छोड़कर घर संभाल लिया।
करण दीवान और मंजू की 5 बेटियां और 2 बेटे हैं। करण दीवान का 2 अगस्त 1989 को निधन हो गया था। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। अपने पसंदीदा कलाकारों के बारे में जानने के लिए कमेंट में उनका नाम लिखकर हमें जरूर बताइएगा। तो चलते हैं, जल्द मिलेंगे।